किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सीटूस फार्मिंग। जो भी किसान भाई हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कितने HP का सोलर पंप कितने रुपए का आता है, क्योंकि सोलर पंप की कुल लागत तो अधिक होती है, इस पे सरकार द्वारा अनुदान मुहैया कराया जाता है, जिसके कारण सोलर पंप की लागत बहुत ही कम हो जाती है, जिससे आप लोग लगवा करके अपनी खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कितने HP का कितने रुपए का सोलर पंप है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, हम बात करते हैं 2 HP DC सरफेस पंप। DC सरफेस यानी कि जो हम लोग जमीन के सतह पे रख के चलाते हैं, जिसको जमीन के अंदर नहीं डालना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पहले नंबर पे दिया हुआ है 2 HP DC सरफेस पंप। तो इसमें आप लोगों को टोकन मनी के रूप में जो बुकिंग चल रही है इस समय, उसमें 5,000 जमा करना है, फिर अवशेष कृषक अंश जो 63,686 रुपए हैं, ये दोनों जोड़ करके आप लोग को जमा करना है। पहले टोकन मनी जब बुक कर रहे हैं उस समय जमा करना है, उसके बाद एक सप्ताह के बाद जब टोकन कंफर्म होगा तब आप लोगों को अवशेष कृषक अंश देना है, यानी कि 63,686 रुपये। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 HP AC सरफेस पंप का, तो इसकी भी लागत सेम है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 HP DC समरसिबल पंप, यानी कि जो जमीन के अंदर पंप डाला जाता है, इस पे अभी 5,000 का टोकन मनी है, इसका दाम थोड़ा सा बढ़ जाएगा आप लोग को 64,816 रुपए। इसमें कुल अनुदान है आप लोगों को 1,04,725 रुपए, इसकी कुल लागत है 1,74,541 रुपया। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पे जो दिया गया है HP AC समरसिबल पंप, तो इसकी भी लागत लगभग लगभग सेम है, इसमें 200 रुपए का अंतर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 64,629 रुपया है और इसमें 64,816 रुपया है। अब बात करते हैं हम लोग कि 3 HP का कितना दाम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 HP DC समरसिबल, जब 2 HP सुपर आप लोग जाएंगे तो जितने भी वाटर पंप होंगे वो सारे समरसिबल होंगे, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, जो जमीन में पड़े रहते हैं, उसको सरफेस पे रख के नहीं चलाया जा सकता है। तो 3 HP समरसिबल की दाम की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं 88,088 रुपये। और 3 HP AC का दाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 87,178 रुपया। अब यहाँ पे हम 5 HP के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे आप लोग 5 HP AC समरसिबल पंप देख सकते हैं, इसमें DC नहीं है, ये केवल AC है। इसका दाम 1,25,999 रुपये है, जो किसान को देना है। वैसे तो इसकी लागत अधिक है, 3,27,498 रुपये है, मगर इस पे आप लोगों को 1,96,499 रुपए का अनुदान है, जिसके बाद आप लोगों को 1,25,999 रुपए में ये 5 HP का सोलर पंप मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 7.5 HP AC समरसिबल पंप के, तो इसकी कुल लागत 4,44,094 रुपए है, जिसमें केवल आप लोगों को 1,72,638 रुपया देना है, इसमें 2,66,456 रुपए का अनुदान है। अब लास्ट और अंतिम बात करते हैं हम लोग 10 HP AC समरसिबल पंप के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, इसकी कुल लागत 5,57,620 रुपए है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को 10 HP और 7.5 HP में 2,66,456 रुपए का ही अनुदान दिया जा रहा है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं जो किसान को पैसा जमा करना है, यानी कि किसान को जो धनराशि लगानी है, वो है 2,86,164 रुपया। तो आप लोग पूरे जितने HP का पंप है कितने का आता है इस वीडियो में, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा किसान भाइयों, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।